नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर अक्षय मित्र पर। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान के अंदर लगभग सभी जिलों में नगर निगम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, आपके फॉर्म में कुछ त्रुटि हो सकती है, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा बने रहें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। दोस्तों, ये आवेदन है लगभग राजस्थान के सभी जिलों में एक प्रकार से फॉर्म है, बट सभी जिलों का अलग अलग फॉर्म है। आप सभी जिलों को मैं अलग अलग फॉर्म दे दूंगा, आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें से, जैसे कि आपके सबके सामने है दोस्तों नाम लिखा है दोस्तों, तो आप अपना इसमें नाम लिख दीजिए। जैसे आपका नाम, मेरा नाम शंकर लिखा है, आप इसमें सारे दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में लिख लें। लिंक में दोस्तों जिस भी आपकी स्त्री पुरुष है, तो आप इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आप स्त्री पुरुष कर दीजिए। पिता या पति, जिस प्रकार दोस्तों लगभग आप पिता का नाम लिखिए, महिला हो वो भी अपने पिता का नाम इसमें लिख सकती है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। दोस्तों आपके आवेदन जन्मतिथि, यानी जन्मतिथि दोस्तों आपकी किस प्रकार से रहने वाली है, जन्मतिथि लिख दिए। मूल निवासी, आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो इसमें आप राजस्थान या जैसे जयपुर राजस्थान भी इसमें कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें सारे दोस्तों जो आपके किस पद के लिए इसमें फॉर्म भरे हैं वो भी आपके सामने। दोस्तों आपके सामने मूल निवासी किस पद के लिए आपने आवेदन किया था, दोस्तों आपको आवेदन किया है शहरी रोजगार सहायक। अदर दोस्तों आप अलग भी यहाँ पद लिख सकते हो, जिसमें इसमें 5 या 6 प्रकार के पद दे रखे हैं। दोस्तों मैंने 16 तरीका अपनाया, इसलिए मैं फॉर्म आपको फिल करना सिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आवेदन की शैक्षणिक योग्यता, आपकी जितनी फाइनल योग्यता है उसमें आप लिख दीजिए। एक बार जैसे मेरे पास बी ए प्लस आर एस सी एटी, मैंने बी आर एस सी एटी इसमें लिख दिया। आपके पास अगर अनुभव है अपने काम में, तो दोस्तों आप अनुभव प्रमाण पत्र लगाने इसमें अनिवार्य है, नहीं तो आप इसमें रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप अनुभव है तो आप अनुभव लिख सकते हो। दोस्तों आपका वर्ग, आप ओ बी सी एस सी डब्ल्यू एस किससे आते हो, उससे बिलिंग करते हो लिख दीजिए। दोस्तों पत्राचार का पता, दोस्तों पूरा लिखना आपको। दोस्तों आपका जैसे पूरा पत्राचार का आपको पता लिखना है, मैंने शॉर्ट लिख रखा है उसमें, जैसे पत्राचार का पूरा पता, आप गाँव, पोस्ट, तहसील, वाया जिला अजमेर, जैसे मैं लिखता हूँ इस प्रकार से। साथ दोस्तों आपको इसमें अपने पिन कोड भी दर्ज करने हैं। दोस्तों आपके मोबाइल नंबर, जैसे मैंने मोबाइल नंबर इसमें दे रखे हैं। मेल आईडी, बिल्कुल दोस्तों आपको मेल आईडी देनी है, जो कि आपकी मेल आईडी होती है। सर दोस्तों इसमें उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट इसका लेवल है। चलिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा, यानी टेंथ की मार्कशीट पूछ रहा है। टेंथ आप मैंने 2016 में की थी। इस प्रकार से आरबीएससी मेरा बोर्ड है और मेरे परसेंटेज सब्जेक्ट के आते। उसी प्रकार से दोस्तों सीनियर सेकेंडरी 2018 में आरबीएससी बोर्ड से की थी, इसमें आ गया। दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा, डिग्री में दोस्तों आप मैंने 2021 में की थी और एमडीएस यूनिवर्सिटी थे, इसमें 2800 होते टोटल, किसी भाई को समझ नहीं आते इसमें क्या 1800 का चलता है। दोस्तों आंकड़े इसमें 1800 में से हमारे यहाँ चलता था, हमारे 50% नंबर 900 नंबर है। उस अन्य योग्यता में आप आर एस सी आर टी लिख सकते हो, जैसे आपके पास बी सी है, अलग पूरी डिटेल है इसमें आप भर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया आपके सामने, जैसे कि दोस्तों उसके बाद में आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर के साथ ही आपको यहाँ पत्राचार का पता भी लिखना है। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पता लिख रखा हूँ, दोस्तों पूरा पता लिखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है। नेक्स्ट दोस्तों फिर आपको यहाँ पे एक शपथग्रहीता का शपथ फॉर्म लग रहा है दोस्तों आपके सामने, जैसे कि लिख रखा है शपथग्रहीता, मैं सबको पेन करता हूँ। सब तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने अनिवार्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, ये पेज नंबर दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पेज है आपके पास में दोस्तों, इसमें भी बहुत बड़ी जानकारी है। दोस्तों इसमें ऐसे करिए, आपके एक दो हज़ार दो से पहले के कोई बच्चे बच्चे तो इसमें आप है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो लिख कर दीजिए। 2002 के बाद क्या, यानी हाँ मेरे 2021 में हुआ था, तो क्या करें, लिखना पड़ेगा। दोस्तों इसमें अपना नाम लिख दिया है अपने बच्चे का। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने निकल कर आती है दोस्तों, साइन, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने जीवित बच्चों की संख्या आप कर दी, दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं आपको, और साथ मैंने जीवित बच्चों की संख्या एक है तो मैंने एक ही लिख दिया इसमें। दोस्तों सिग्नेचर के बाद में दोस्तों यहाँ भी आपको पूरा अपना पता लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है लिखना आपको पूरा लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है कि दोस्तों आपके सेक्शन की योग्यता में क्या क्या है। ये दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका मैं पहले भी बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ। पहले नंबर पर जैसे आपको वरिष्ठ सेकंड साहब मिलना, तो इसमें आपके पास ये सेक्शन की योग्यता होना चाहिए। आपका वेतनामा है, पद संख्या, दोस्तों ये पद संख्या छोड़ दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। ये दोस्तों पद संख्या तो मैंने ऐसे ही कर दी है, जैसे कि आपके सामने ये पद संख्या, तो चलो छोड़ दो इसको छोड़ो। सर दोस्तों दूसरी बात ये कि आपके पास कनी साहब के तो लगभग ये डिग्री होनी चाहिए। लेखा सहायक के लिए आपके पास बी कॉम सी इंटीग्रेटेड आई पी सी डिग्री होना चाहिए। एम एस सी के लिए बी सी होना चाहिए। और सारे दोस्तों शहरी रोजगार के लिए आपके पास आर एस सी आई टी उत्तीर्ण पास होना अनिवार्य है। दोस्तों मैंने यहाँ पे स्पेशल करके बना रखा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटो कॉपी क्या क्या लगानी है। बिल्कुल दोस्तों इसमें आपको कोई त्रुटि हो तो देख लीजिए। दोस्तों टेंथ की मार्कशीट है, ट्वेल्थ की मार्कशीट लगा दी दोस्तों, टेंथ ट्वेल्थ हो गया। चार फोटो भी आपको इसमें रखनी है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में आगे दिक्कत नहीं आए इसलिए। और आधार कार्ड भी है दोस्तों, आपका आधार कार्ड की बिल्कुल आपको लगानी है फोटोकॉपी। ग्रेजुएशन है, जितनी भी मैंने सारी डिग्रियां बताई थी दोस्तों, अगर जिस सब्जेक्ट से आप उससे सारी डिग्री आपको लगानी है। कोई अनुभव हो आपके पास तो अनुभव भी आपको लगाना है। कुछ दोस्तों के कमेंट आते थे कि इसमें चरित्र प्रमाण पत्र नहीं, दोस्तों अभी तो इसमें कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। बिल्कुल आपके मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी आपके लिए जरूरी है। मूल निवास,
जाति प्रमाण पत्र। बिल्कुल दोस्तों, आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भरे उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से है। चलिए दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सभी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म मेरे पास पड़े हैं, जिस भाई को भी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मोबाइल नंबर उसमें व्हाट्सएप पर लिख सकता है। धन्यवाद दोस्तों।